ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद अवर लास्ट सेशन। लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर एक सिंपल सा एचटीएमएल का फॉर्म बनाया था। अभी तक हमने जो इस फॉर्म के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करी थी वो ये करी थी कि यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहा है और जैसे वो क्लिक टू रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर रहा है वो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर नीचे शो कर रहे थे यूजिंग पीएचपी। नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज़ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इन वाले वेरिएबल्स के अंदर स्टोर, इन वाले वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन को अब हमको भेजना है डेटा बेस में। ओके, तो चलो देखो डेटा बेस में अब हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हमें कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे, देन वी विल बी गोइंग टू राइट अवर क्वेरी। ओके, और फिर उस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट कराएंगे आपके इसी डेटा बेस या लेट से आपके इसी कनेक्शन स्ट्रिंग में। ठीक है, तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले ना आप एक काम करो कि ये जो एको हमने लिखा था ना, यू कैन डिलीट दिस एको। ओके, ये बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आइदर वी आर एबल टू फैच दिस वैल्यू और नॉट। ओके, तो लेट अस से हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी गोइंग टू क्रिएट अ कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, तो कनेक्शन स्ट्रिंग हम एक बार बना लेते हैं। सबसे पहले वही है, कनेक्शन स्ट्रिंग में मैंने आपको बताया था कि चार पैरामीटर आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि आपका होस्ट कौन है, वेर इज एक्चुअली आवर डेटा बेस इज होस्टेड, तो वो अभी होस्टेड है लोकल होस्ट पे। यूजर कौन होगा बाय डिफॉल्ट रूट, देन वी हैव दिस पासवर्ड। पासवर्ड आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ना, वो कल वाली मिस्टेक मत करना क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी काउंट आपका होगा। ओके, तो जस्ट लीव इट इज एज अ ब्लैंक एंड फाइनली यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस डेटा बेस। और डेटा बेस के अंदर जो मैंने अपने डेटा बेस का नेम रखा था वो रखा था यूजर फॉर्म। दिस इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ अवर डेटा बेस। सो आफ्टर क्रिएटिंग दिस कनेक्शन स्ट्रिंग, ओके, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ दिस कनेक्शन स्ट्रिंग, लेट्स से वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस न्यू माई एसक्यूएलआई ड्राइवर। और आपको मैंने कल बताया था कि वॉट दिस माई एसक्यूएलआई ड्राइवर विल डू, इट इज यूज टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन योर पीएचपी एंड विद इन योर डेटा बेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ न्यू माई एसक्यूएल आई का। और इस माई एसक्यूएल आई को चार पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। वो चाहिए होता है कि आपका डेटा बेस किधर होस्टेड है, यूजर कहाँ पर है, पासवर्ड क्या है इस यूजर का, एंड लेट्स से फाइनली द नेम ऑफ योर डेटा बेस। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि वी आर गोइंग टू सेव दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ वेरिएबल नेम्ड इज कॉल। तो इतना कर लो एंड लेट मी नो। तो लेट अस से अब जब हम एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना देते हैं तो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के बाद हम क्या करते हैं, वी हैव टू एग्जीक्यूट अवर क्वेरी। ओके, तो चलो अब अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पर अपनी पहले क्वेरी लिख देता हूँ, डॉलर क्वेरी। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट वाली क्वेरी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर कौन सी क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट वाली। ओके, तो हियर वी आर गोइंग टू राइट अ क्वेरी फॉर इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इन टू अवर डेटा बेस। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इधर मैंने यूज किया इंसर्ट इन टू, एंड हेयर यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर टेबल। क्योंकि जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट का नेम ही क्या है कि आपको डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराने यूजिंग माई एसक्यूएल आई। ओके, तो आप इतने में एक बार यहाँ पे लिख दो कि इंसर्ट इन टू रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, हमारा टेबल का नेम। अब यहाँ पर आपको अपने ना कॉलम के नेम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। और देखो प्रतीक्षा, यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर आपके कॉलम के नेम एज इट इज यही आएंगे जो आपने इधर लिखे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि नेम कैपिटल में है, लोअर केसेस में, सॉरी, पासवर्ड लोअर केसेस में है, ईमेल लोअर केसेस में, तो एज इट इज यही स्पेलिंग्स आपकी यहाँ पर आएंगी। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल देता हूँ नेम, देन वी हैव पासवर्ड, देयर आफ्टर पासवर्ड वी हैव ईमेल। ओके, ईमेल के बाद वी हैव दिस जेंडर। ओके, जेंडर के बाद लेट से मेरे पास एक और वैल्यू है, लेट से वो है क्वाल, जो हमने क्वालिफिकेशन के लिए दिया था, एंड देन वी हैव दिस कोर्स। तो इनके अंदर मेरे को वैल्यूज स्टोर करानी है। एंड नाउ हियर आफ्टर स्पेसिफाइंग योर कॉलम फील्ड्स, अब आप यहाँ पर लिखना इस वैल्यूज का।
और जो अब आपकी वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज इस पैरेंथेसिस के अंदर आएंगी। अब देखो यहाँ पर है ना एक समझने वाली बात ये होती है, आपको है ना इनका डेटा टाइप पता होना चाहिए कि नेम का, जब आपने डेटाबेस बनाया था तो आपने इस नेम का क्या टाइप रखा है। तो नेम का टाइप मैंने रखा टेक्स्ट। नेम का क्या, लगभग आप देख सकते हो कि सभी का टाइप क्या है, टेक्स्ट। अब ये जो टेक्स्ट वाली वैल्यूज है ना, दिस टेक्स्ट वैल्यू हैज़ टू बी इन अ डबल कोट्स। ये जो टेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए, ये टेक्स्ट वैल्यू आपकी किसके अंदर होनी चाहिए, डबल कोट्स के अंदर होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखना कि हाउ वी हैव टू मेक अ यूज। अब अगर देखो कि मैं यहाँ पे लिख दूँ डॉलर डॉट नेम, ऐसा मैंने क्यों लिखा, कैन यू टेल मी दिस। ये बिल्कुल यहाँ पर उसकी वैल्यू इधर आकर प्लेस हो जाएगी, जो भी हमारा डॉलर नेम वाले वेरिएबल में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेरे पास आकर सेव हो जाएगी। बट अब है ना यहाँ पर पीएचपी थोड़ा सा हमको एक सिंटेक्स मिस्टेक एरर देगा। वो क्या देगा, वो ये सोचेगा कि ये वाला डबल कोट्स यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हो गया। ओके, पीएचपी हियर विल गोइंग टू गिव यू अ सिंटेक्स एरर। एंड व्हाट काइंड ऑफ सिंटेक्स एरर यू विल बी गोइंग टू हैव, कि ये डबल कोट्स यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हो गया। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस एरर व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इस रिप्रेजेंटेशन को एक बार लिख देता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर। और ऐसा करने से होगा क्या, कि अब ऐसा करने से ना एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो नेम है ये आपका कुछ इस तरीके से चला जाएगा आपके किधर, एक्चुअल क्वेरी के अंदर। सेम अब आपको ये सभी के साथ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया सिंगल कोट्स का, एंड विद इन सिंगल कोट्स आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ डबल कोट्स। एंड इन पीएचपी इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म कंकैटिनेशन यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस डॉट ऑपरेटर। तो लेट्स से नेम के बाद मुझे क्या इन्फॉर्मेशन डलवानी है, पी एस डब्ल्यू डी पासवर्ड की। तो यहाँ पर मैंने ये वाला वेरिएबल लिख दिया पी एस डब्ल्यू डी। इसके बाद लेट्स से अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स। और यहाँ पर लेट्स से अब जो मेरे को वैल्यू डलवानी है वो मेरे को वैल्यू डलवानी है लेट्स से पासवर्ड के बाद वी हैव जेंडर, ओ सॉरी ईमेल। तो ईमेल की इन्फॉर्मेशन मेरे पास इस वाले वेरिएबल के पास है डॉलर मेल के पास। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉलर मेल। इसके बाद लेट्स से और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको डलवानी है, लेट्स से फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया सिंगल कोट्स डबल कोट्स डॉट डॉलर। ओके, और आफ्टर दिस ईमेल वी हैव दिस जेंडर। तो आई होप कि जेंडर के लिए भी हमने जेंडर वेरिएबल ही बनाया था। ओके दैट्स फाइन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जेंडर। ओके, इसी के बाद अगेन मेक अ यूज ऑफ अ सिंगल कोट्स देन डबल कोट्स एंड हियर यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस डॉलर। और जो अब हमको वैल्यू स्टोर करानी है वो अब हमको स्टोर करानी है कॉल की। और कॉल की इंफॉर्मेशन मेक श्योर कि आपकी इसी वाले वेरिएबल के पास थी कॉल के पास। तो यहाँ पर लेट्स से मैं डलवाता हूँ कॉल। देन अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ सिंगल कोट्स डबल कोट्स। और यहाँ पर हम डलवा देते हैं डॉलर। एंड देन हियर आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई माय कोर्स। और कोर्स की भी इंफॉर्मेशन मैंने इसी वाले वेरिएबल में स्टोर करा रखे कोर्स। तो यहाँ पर आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार। ओके ओके सॉरी आया, मेरे को यहाँ पर एक बार डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो यहाँ पर ना अब आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार। ओके, तो चेक करें ना कोई रेड लाइन या कोई येलो कलर की वार्निंग नहीं आ रही हो, ये इसी तरीके से होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी इन अ कनेक्शन स्ट्रिंग। तो अभी हमने ये क्वेरी सारी सिर्फ लिखी है, तो नाउ लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। ओके, तो ये वाला क्वेरी इनबिल्ट फंक्शन में इधर यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी क्वेरी स्पेसिफाई कर दी कि डॉलर कॉल क्वेरी डॉलर क्वेरी। अब आपको पता है कि जैसे ही इस कनेक्शन के अंदर ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी ये आपको है ना कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके देगी कि लेट अस से वन रो या सॉरी क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड, या लेट से कुछ एरर देगी। तो जो भी हमारा एरर आएगा या जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी ये मैंने रिजल्ट के अंदर जाकर सेव कर ली। तो अगर तो आपके कनेक्शन के अंदर क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाएगी इट विल बी गोइंग टू गिव यू वैल्यू वन, और अगर नहीं होगी तो इट विल बी गोइंग टू गिव यू वैल्यू जीरो। और ये इन्फॉर्मेशन आपने किस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा ली, आपने ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करा ली रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इतना लिख ले। अब इसके बाद यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं गिफ स्टेटमेंट का।
okay, here now let's just make a use of an if statement, if dollar result, ओके okay. अब यहाँ पर है ना वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है नम अंडरस्कोर रोज, बिकॉज हम यहाँ पर रोज फैच नहीं कर रहे. मैंने यहाँ पर सिर्फ लिख दिया इफ डॉलर रिजल्ट. क्यों? क्योंकि जब कनेक्शन के अंदर मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी इंसर्ट वाली, तो आइदर इट विल गोइंग टू गिव यू वैल्यू वन और वैल्यू जीरो. वन देगा जब आपकी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी, फॉल्स देगा जब आपकी क्वेरी फेल हो जाएगी. और इफ कब एग्जीक्यूट होता है? इफ आपका एग्जीक्यूट करता है जब आपकी गिवन कंडीशन ट्रू होती है. तो हियर मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ डॉलर रिजल्ट एको, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ सम वीआर, ओके, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन एच टू टैग, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल. हियर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल एंड आई एम गोइंग टू क्लोज दिस एच टू टैग. और else के अंदर आप यहाँ पर इसी echo को copy paste कर सकते हो. इसी echo को मैंने copy कर लिया और यहाँ पर लिख देते हैं registration failed. ठीक है, तो this completes our code of saving, या let's say of inserting a data using MySQL. बस इतना सिंपल सा कोड आपको लिखना है. तो जैसे आप लिख लो प्लीज लेट मी नो. तो यहाँ से आप इसको कर देते हैं एक बार सेव ऑल एंड लेट्स जस्ट टेस्ट दिस एप्लीकेशन. अब इसको टेस्ट एक बार कर लेते हैं. तो यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक, वैसे तो कोई मिस्टेक नहीं, वो पता लग ही जाएगा रन करेंगे तो. तो हियर आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश दिस फर्स्ट, ओके, और अभी यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिलअप करके देखता हूँ. तो एंटर योर नेम, मैंने डाल दिया अपना नेम, यश, पासवर्ड डाल देते हैं, ईमेल डाल देता हूँ yash@gmail.com, मेल डाल देता हूँ, 10th, 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, लगभग सभी ऑप्शंस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन MCA एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस, क्लिक टू रजिस्टर. तो हियर यू विल बी गोइंग टू गेट अ मैसेज, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल. ओके, यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेना, यू विल बी गोइंग टू हैव दिस मैसेज, रजिस्ट्रेशन सक्सेस. तो देखो अब जैसे ही सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यूज मेरे डेटाबेस के अंदर गई है नहीं गई. तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ सिलेक्ट से. तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड द नेम ऑफ माई टेबल इज रजिस्टर. और जैसे हम प्रेस करेंगे एंटर, यहाँ पर हमको ये सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी. ओके, वी हैव दिस ID 1, आपको आपका यूजर का नेम दिख जाएगा, पासवर्ड दिख जाएगा, ईमेल, जेंडर, क्वालिफिकेशन और कोर्स. तो जस्ट मेक अ यूज ऑफ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर. ओके, सो दिस कम्प्लीट्स अप अवर पार्ट. और ये जो पार्ट था ये था कि हाउ टू इंसर्ट अ डेटा यूजिंग माई एसक्यूएल आई. और ये जो हमने डेटा यहाँ पर इंसर्ट कराया, ये डेटा हमने माई एसक्यूएल आई के थ्रू ही इंसर्ट कराया है. ओके.